हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़, गुड न्यूज़ आप बोल सकते हैं। 3809 गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो रही है नई जगह पे, नए स्टेट में। 3809 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे अहम बात, सबसे खास बात ये रहेगी कि यहाँ पर ग्रेजुएट्स भी एप्लीकेशन कर सकेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कई सारे रोजगार के अवसर बनने जा रहे हैं ग्रेजुएट्स के लिए भी। और अगर आपके पास टीचर की अर्हता होगी, टीचर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होगी, तो उनके लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है और किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा और क्या सब्जेक्ट्स होंगे, इस तरीके की डिटेल्स हम आगे वीडियो में कवर करते हैं। तो ये गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है झारखंड स्टेट से। झारखंड में 3119 टीचर्स एंड 690 प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक मीन्स लेबोरेटरी असिस्टेंट की नियुक्ति होगी। तो ये जो 690 पोस्ट हैं, इसमें साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएट होंगे, जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, वो भी इस 690 पोस्ट में एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो साइंस या मैथमेटिक्स से जो ग्रेजुएट हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। हो सकता है कुछ और भी ग्रेजुएट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकें, जैसे कि प्रयोगशाला जिसमें होती है, जैसे और भी अगर कोई सब्जेक्ट होंगे। और बाकी 3119 शिक्षकों की भी भर्ती, इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ है वो सुन लेते हैं, वो पहले देख लेते हैं। झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड के प्लस टू स्कूलों में, प्लस टू मीन्स जूनियर कॉलेज, जिसे 11 12 भी आप बुलाते हैं, प्लस टू स्कूलों में शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मेन होती है कि नहीं हुई है, अभी प्रक्रिया एक्चुअली शुरू हो गई है। तो इसकी जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाएगी। तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना भेज दी गई है। झारखंड के 510 प्लस टू उच्च विद्यालयों में 3119 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 230 स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। मतलब कि हर स्कूल में 3 प्रयोगशाला सहायक, लेबोरेटरी असिस्टेंट की। बता दें स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार 11 सब्जेक्ट होंगे, टोटल 11 सब्जेक्ट्स में जूनियर कॉलेज में रिक्रूटमेंट की जाएगी, शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं एक विद्यालय में 3 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जाएगी। और इस बैठक में ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया गया है। पहली बार प्रयोगशाला शिक्षकों की, तो प्रयोगशाला शिक्षक या फिर प्रयोगशाला सहायक जो आप बुला रहे हैं, उसमें फर्स्ट टाइम ये नियुक्ति हो रही है प्लस टू स्कूल्स में या स्कूलों में, तो ये अच्छी बात है। अब इसमें बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन, इसमें नियुक्ति के लिए एग्जामिनेशन होगी 400 मार्क्स की, 2 पेपर होंगे और ये सारी डिटेल है। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो जब डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज होगी तभी। जैसे मैंने यूपी की पहले ही आपको बताई थी जून में आने वाली एडवर्टीजमेंट, तो जून में आ गई, इसी तरह से इसकी भी अभी देखें कब तक आती है। तो जैसे डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगी तो ज़रूर आप सभी के साथ में शेयर की जाएगी।